महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की तरफ लपलपा रही है। एक बार फिर से शिवसेना ने मोदी और बीजेपी सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरानी सहयोगी शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इसका स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहसी कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान का पार्टी स्वागत करती है और मंदिर निर्माण के काम में शिवसेना भी शामिल होगी। संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 7 फरवरी को अयोध्या जा रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि खुद बालासाहेब ठाकरे अगर जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। हमारे भी कई लोगों की जान मंदिर आंदोलन में गई थी। उधर शिवसेना का झुकाव बीजेपी की तरफ देखकर कांग्रेस में बेचैनी आ गई है। कांग्रेस नेता शिवसेना को सलाह देना शुरू कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोटों की खेती करने का आरोप लगाया है। मिस्त्री ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान का मामला अलग है, मतलब अब महाराष्ट्र के गठबंधन में फिर से खटपट शुरू होने वाली है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ शिवसेना बीजेपी की तारीफ कर रही है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में गठबंधन का खेल कांग्रेस के साथ शिवसेना कितने दिनों तक खेलती है। सीएम उद्धव ठाकरे भी अब बीजेपी प्रेम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ आने वाले समय में फिर से गठबंधन कर सकते हैं और अब जब राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा तो शिवसेना भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना के लिए ऐसा करना मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।